तो हेलो भाई लोगों, यहाँ पर हमने अपना कंटेनर जो है वो जोड़ लिया है। बस जाना अच्छा इस तरफ से जाना है, वो कहना थोड़ा रास्ता पता नहीं चल रहा है किस तरफ से जाना चाहिए और किस तरफ से नहीं। और वॉइस वगैरह का कम आ रही है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि वॉइस कम आ रही है या ज़्यादा। और अभी अभी एक्सीडेंट होते होते बच गए हैं। और अरे तेरी भाई, क्या बचा है भाई, क्या ही बचा है, हो जाता वरना आज तो काम इसका। तो यहाँ पर जो है हमें काफ़ी दूर नहीं, बस बाजू के शहर में पहुँचाना है और काफ़ी जल्दी पहुँचाना है। तो मैं रूल्स वगैरह, मतलब उसने कहा है तुम फॉलो नहीं करोगे चलेगा, चलान मैं भर दूँगा करके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ फास्ट एंड फास्ट। और यहाँ पर जो है पिछली बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आपको अगर पता हो तो, इस वाली जगह पे, जब मैं मतलब जो वुडन लॉग होते हैं ना वो लेकर आ रहा था तब। और उस एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था, लेकिन अभी हमारा ट्रक जो है फुल्ली 100% रिपेयर्ड है, कोई डैमेज वगैरह नहीं है। तो और इसको मैं बिना एक्सीडेंट वगैरह के चलाने का कोशिश करूँगा। और आवाज़ वगैरह आ रहा है ना? अबे यार आवाज़ थोड़ा कम था यार, इसलिए शायद से ट्रक वगैरह का आवाज़ इतना साफ नहीं आ रहा, लेकिन अभी आ रहा है, काफ़ी मस्त आ रहा है और सीन भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और हम सुबह के टाइम निकले हैं, मतलब एक 10:30-11 बजे निकले हैं हम शायद से। और पेट्रोल वगैरह तो काफ़ी, फ्यूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बस अभी हमें जो है फटाफट से इसे डिलीवर करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि भाई दूसरा काम भी तो करना है यार। इसलिए मैं एक लंबा ट्रिप मारने का सोच रहा था, लेकिन यार ये छोटे ट्रिप में ही अभी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे उसी शहर में जाना था बस, इसलिए हम छोटे ट्रिप में जा रहे हैं। उस शहर के लिए कोई बड़ा ट्रेलर नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा ठीक है फिर हम इसी ट्रेलर को लेकर जाते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा ट्रेलर है, इसी कोई बात नहीं है। और अभी शायद से हमें टर्न करना है, तो हम इंडिकेटर दे देते हैं। देना भाई इंडिकेटर क्या है के, इंडिकेटर लग गया है। ओए 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 ठुकी भाई, रेलिंग के ऊपर चढ़ गई क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये हाई स्पीड में टर्न करना बहुत मुश्किल होता है यार, वो भी स्पेशली जब आपका स्टेयरिंग जो है मतलब फुल एकदम कैसा गड़बड़ स्टेयरिंग है यार ये, मतलब थोड़े से टर्न में ये टर्न नहीं होता है, इसको काफ़ी लंबा वाला मतलब ऐसा घुमाना पड़ता है तब जाकर कहीं ये टर्न होता है। खैर अभी हम जो है एक्सप्रेस वे में आ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है अभी, तो देख सकते हो आप काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये हमारा ट्रक जो कि फुल्ली क्लीन्ड है, और ट्रेलर भी पूरा वैसा का वैसा भरा है। कार्गो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, लेकिन अभी जिसने दिया है उतना ही दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। और भाई किधर जा रहा हूँ मैं, यहाँ सीधे जाना है भाई, सीधे ही जा रहा है भाई। बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है यहाँ पर, मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जिस एरिया में भी फॉग रहता है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का ये खतरा रहता है। तो हम तो संभल कर चल जाते हैं, लेकिन सामने वाला कैसे चला रहा है वो हमें थोड़ी ना पता चलता है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम तो एकदम आराम से चला रहे, तो हमारा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। 120 की स्पीड है और अंदर चलते हैं भाई, बाहर से कंट्रोल नहीं हो रहा। और अंदर से भाई क्या ही अजीब लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे सामने से कोई तूफान आ रहा है और हम तूफान के अंदर जा रहे हैं। पूरा एकदम मौसम वगैरह पूरा बिगड़ रखा है भाई। अरे 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 भाई 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 भाई, टच होते होते रह गया यार, यही बोल रहा था मैं, मतलब कि इतनी हाई स्पीड में भी काफ़ी लंबा टर्न मारना पड़ता है तब जाकर का ये टर्न रहता है ना यार। हाई स्पीड में तो भाई थोड़ा सा टर्न करोगे फट करके टर्न हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, ट्रक चलाने में मज़ा ही इसी बात का आता है, वरना तो नॉर्मल कार भी चला सकते हैं ना ऐसे फट से टर्न करने के लिए।
नहीं तो गाड़ी चला लो, थोड़ा सा टर्न करो सीधा जाकर खाई में। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, हाँ ऐसे सीरियस नहीं लेने का, लेकिन मज़ा बहुत आता है यार ट्रक चलाने में। और ये हमारा जो पीछे का कांच है, जहाँ पर एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों सारे सो गए लग रहा है, घर में फॉग हो रही है इसलिए। बोले भाई अभी बहुत ठंड है बाहर, सो जाते हैं, और कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई। यार बस यही देख रहा हूँ मैं कि कहीं आगे कोई टर्न ना आ जाए। ओ भाई आगे टर्न, आगे टर्न, आगे टर्न आ गया। हमने यहाँ पर स्पीड स्लो कर ली है काफ़ी ज़्यादा, पूरा बंद हो गया यार, चलना है वो यार। ये ट्रक का यार ये एक बेकार चीज़ है यार, मतलब हल्का सा स्लो करने के लिए बोलते हैं, ये तो साला पूरा ब्रेक मार के फिर बाद में वापस से चालू करते हैं। ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी बेकार लगी। और ऊपर से ये रोड अभी खाली है क्योंकि पूरा अभी ठंड का मौसम हो रखा है, इसलिए तो एक काफ़ी ज़्यादा खाली है। और ट्रैफिक आ गया पीछे, देखो यार इसी की मैं बात कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं अपनी सिटी रोड में। हाँ सिटी रोड ही बोलेंगे ना, हाँ सिटी रोड में आ चुके हैं हम लोग, और नीचे उतर रहे हैं एक्चुअली, आ गए नहीं, हम एक्सप्रेस वे से सिटी रोड में जा रहे हैं, और हम सिटी रोड ज्वाइन कर चुके हैं। काफ़ी सही बात है, इंडिकेटर बंद हो जा। ओके तो अभी हम यहाँ पर चलाएंगे 100 की स्पीड पर, क्योंकि भाई अपना ट्रक ना 150 की स्पीड ऐसे ही पकड़ लेगा, और इस एरिया में 150 की स्पीड हैंडल करना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई सडन ब्रेक मारना पड़ जाता है कभी कभी, तो इसलिए 100 की स्पीड मैक्सिमम रखेंगे हम लोग। वो ये 84 पे रुका दिया मैंने, सॉरी बढ़ना, हाँ ओके बढ़ रही है। तो देखो देखो सामने टर्न आ रहे हैं ना, तो इसी की मैं बात कर रहा था, क्योंकि भाई सडन टर्न्स आ जाते हैं, और साथ में अगर कोई पीछे से गाड़ी वगैरह आ रही हो तो वो भी ठुक सकती है, और प्लस उनको ओवरटेक करने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि भाई ओवरटेक करने चले और मैंने ठोक दिया तो इसलिए वो भी ऐसे मतलब संभल कर चलते हैं। और विंड मिल वगैरह देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है। और हमारा सिटी अभी चालू हो गया है गैस, मतलब सिटी दिख रहा है अभी सामने। और ये हमारा फ्यूल स्टेशन, और ये हमारा सिटी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से स्पीड थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। कम तो क्यों मैंने, मतलब धीरे 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 कम होगी, ऐसे एकदम नहीं। और काफ़ी सही चल रहा है, और आगे मेरे ख्याल से काफ़ी शार्प टर्न आ रहा है, तो और थोड़ी कम कर लेते हैं, क्योंकि भाई टर्न्स में ना हमें थोड़ा संभल कर चलाना पड़ता है, वरना हमारा ट्रक पलट सकता है, और ट्रक ना पलटे उसके लिए हमें जो है स्पीड थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए होती है, क्योंकि उससे चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ओके ओके हम पहुंच चुके हैं सिटी में, और हमारा डेस्टिनेशन भी है अराइव हो चुका है। सिटी काफ़ी प्यारी लग रही है कुछ भी को भाई, सिटी में है ना ऐसा अलग ही फील आ रहा है। और रेड लाइट है लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई हमें फटाफट से पहुंचना है, और हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और अभी जो है बस ये पूरा मतलब ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, यहाँ पर सारे ट्रक्स वगैरह आते हैं ट्रेलर लेकर, और काफ़ी सारे मतलब ऐसा ट्रक्स रिपेयरिंग का, और ट्रकर्स के लिए है मोस्टली, मतलब उनके सोने के लिए, वॉशिंग के लिए, वॉशिंग मतलब ट्रक वॉशिंग है ऐसा। और यहाँ पर ये जो सैंड का है ना ये एरिया भाई, ये बहुत ख़तरनाक है भाई, यहाँ पर भी ना ऐसा ट्रक स्टक वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है पार्किंग मैं नहीं करने वाला हूँ भाई, क्योंकि इतना झंझट अपन नहीं करेगा, क्योंकि पार्किंग का एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते ना यार, मतलब इनको सही से पार्क करके भी दे